बच्चन को सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, जहां रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अमिताभ बच्चन को इस सम्मान से नवाजा था। वहीं हाल ही में बॉलीवुड के शहंशाह ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गए। सीए पर उनकी चुप्पी को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया है। इसी के साथ ट्विटर पर #WhySilentBachchan ट्रेंड भी कर रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट। I think everyone has his own opinion. If Amitabh sir says in support of NRC or CEA, he is a BJP supporter, and if he does not say, he is an anti-Muslim. So according to me, he should remain silent because silence is the best answer to any problem. Can't you even speak a single word? #WhySilentSeniorBachchan. Person with no voice is equal to a dead body. I knew it from start that you are a biggest moron in film industry, including Khan. Another #WhySilentSeniorBachchan because he may be hero, but he is a normal man. He works for money, not for humanity. His name come in Panama Papers, so he afraid of ED and CBI. Don't expect too much from him. However, Amitabh Bachchan doesn't deserve Dada Saheb Phalke Award in my opinion. I'm losing respect for so many Bollywood stars. I don't think I will be ever be able to see them in the same light ever again. तो देखा आपने, अमिताभ बच्चन को सीए पर चुप्पी साधे रखना वाकई काफी भारी पड़ गया है। एक ट्रोलर ने तो उन्हें ये तक बोल दिया कि वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लायक नहीं है। बता दें कि सीए को लेकर काफी दिनों से देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ अनुपम खेर, कंगना रनौत और अशोक पंडित जैसे स्टार सीए का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं फरहान अख्तर, जावेद जाफरी, अनुराग कश्यप समेत कई स्टार्स सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिनमें से एक हैं अमिताभ बच्चन, और यही वजह है कि उनकी चुप्पी उन्हीं पर भारी पड़ गई है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सवाल छोटा सा और था कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है और भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है, और बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है। कंगना, आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? वेल, मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी, बट आई विल ट्राई टू से समथिंग व्हिच इज नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द इवेंट। आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना, आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा, सिर्फ 3-4% लोग टैक्स देते हैं, बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं। तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री, दैट शुड बी लुक्ड इनटू, क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और जो देश की हालत है, जितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस। एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल, व्हाट आई, दिस माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा, जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी। मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं, कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत, यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, दो फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो, यू हैव टू गिव मी दिस मच कि आई एम हियर ऑन माय ओन मेरिट। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पर उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता, यू कैंट बी अ सोर लूजर। So, like I said, there is a lot to say, but it's better if we don't drift into a different direction and we stay where we are. I think like everybody else, I've also just been watching the news, watching the state of our country, and it's very, very, it really disheartens me and it makes me feel really sad with everything that is happening around. I think it's a very sensitive time hai, and I feel like violence is something that I am completely against, and I feel like that's no solution for anything at all. Peaceful protest is our right as citizens,
and I feel it is our right of freedom of expression. But everything should be happening in a non-violent way. And I feel right now is a time where we need to sort of tackle it in with maturity, you know, and sort of have a verbal conversation about this whole topic and sort things out like that. Yaar, for me, mainly, I think everybody knows ki kya ho raha hai and jinko jo aata hai, wo kar rahe hai. Currently, I feel the situation hai, I think it's very unfortunate and I really feel that there's a right way of doing it. Ek sahi tarike se sab ho sakta hai, hona chahiye, peacefully hona chahiye. Violence, I don't think is something anybody should ever resort to. So it's really unfortunate and I really hope that things get better. That's my honest, heartfelt stand on it. मैंने सी ए और सी ए बी पे थॉट्स नहीं रखे थे क्योंकि मैंने पूरी अच्छे से उसको स्टडी नहीं कर पाई हूँ अभी तक. मैंने इस बात पे थॉट्स रखे थे कि जो मैंने विजुअल्स देखे जामिया में होते हुए वो मुझे अच्छे नहीं लगे. जो मैंने स्टूडेंट्स जो कह रहे थे उनकी बातें सुनी और जो वीडियोज़ देखी वो बहुत बुरा लगा देख के. कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है या होने वाला है फॉर श्योर उसको देख के ऐसी. पर मुझे एक और चीज़ लगती है, आई थिंक हर प्लेटफॉर्म वो बात करने के लिए नहीं है. आई फील बिकॉज हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं. आई थिंक इस टाइम बात करने से ज़्यादा हम सबको बैठ के पहले सोचना चाहिए उसके बाद कुछ बोलें, बिकॉज बात करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास. मुझे लगता है कि सबसे पहली बात कि वायलेंस किसी भी प्रकार का हो वो नॉन एक्सेप्टेबल है, किसी की भी तरफ से हो नॉन एक्सेप्टेबल है. पर आई थिंक ऑल्सो ज़रूरी ये है कि जिनकी भी ओपिनियन हो वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो. मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे टू कीप रीडिंग. मैं जितनी इन्फॉर्मेशन और पा सकूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ ओपिनियन व्यक्त करूँ वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो और ना कि इमोशन में बह के कुछ बोला जाए, क्योंकि कभी कभी साइलेंस इज़ बेटर देन अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन. तो आई थिंक इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर एवरीवन टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल. बट वायलेंस इन एनी फॉर्म्ड एंड बाय एनीबडी आई थिंक इन अ डेमोक्रेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पीस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट व्हिच इज नीडेड एट ऑल एंड्स. वी नीड टू स्टॉप वॉयलेंस चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो. आई थिंक बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर एवरीबॉडी, बी इट द स्टूडेंट्स, बी इट पुलिस, बी इट एनीबॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड से पीस एंड हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर. आई एम वेरी मच फॉर कैब बिकॉज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग फ्ली हुए जिनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे प्रोसिक्यूट किया है उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं. तो दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच उन्होंने ये डिसीजन लिया. CAA बिल पास हो चुकी है तो अभी वो ना हाँ मैं काफ़ी इस पर स्टडी कर रहा हूँ. इस पर काफ़ी मतलब जो भी गूगल पर रिसर्च या फिर लोगों से बात करके रिसर्च हो रहा है तो ये सब चीज़ें देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें एक ज़रूरत भी है ये करना, लेकिन किस तरह से करें वो भी बहुत ही एक ट्रिकी ये मुद्दा है. तो इसे बहुत सेंसिटिवली इसका सामना करना होगा. लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेगी करेगी या जो भी हो अभी तो अमल हो चुका है. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो सिटीजन्स हैं हम प्रोटेस्ट करें या जो कुछ भी करें उसमें हम डैमेज ना करें, हम कोई उस तरह की वायलेंस ना करें. क्योंकि अगर हम अपने देश के हित में एक डिसीजन चाहते हैं तो हमें भी अपने देश के हित में ही काम करना चाहिए, सोचना चाहिए. जो लोग अपने देश के ही प्रॉपर्टी को बिगाड़ रहे हैं वो खुद ही देश के हित में नहीं है, तो उनकी बात या उनकी प्रोटेस्ट कौन सुनना चाहेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो फियर साइकोसिस है इससे हमें दूर रहना है. ये जो बेकार की मैसेजेस और ये व्हाट्सएप और ये सब चलते रहता है, लोग बोलते हैं अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट चीज़ तो ये हो जाएगी, अब तो तुम्हारे घर आके तुम्हें मारेंगे, ये सब जो लोग कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए. वी शुड एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट गिव इन टू सच फियर साइकोसिस. आई थिंक एनी लॉ मेड विद रिलीजन इन माइंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस. इट हैज़ टू ऑब्वियसली बी मेड केस बाई केस. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक नॉन मुस्लिम जो इस्लामिक स्टेट से यहाँ आए हैं उन्हें वहाँ से भगा दिया गया हो. कहीं ऐसे भी आए होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी यहाँ ज़्यादा दिखी होगी, उस हिसाब से आए हैं. तो केस बाई केस यू हैव टू सी योर सी द पीपल. नॉट स्पेसिफिक अरे मुस्लिम है इसको भगाओ, हिंदू है इसको रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिख है तो रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सिटीजनशिप एक्ट को लेके
कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, अफवाहें में विश्वास नहीं कीजिए। भारत के हर एक मुस्लिम नागरिक सुरक्षित हैं, भारत के हर एक नागरिक जो लेजिटिमेटली यहाँ रेफ्यूजी के तौर पे एक माइनॉरिटी में आना चाहते हैं वो भी सुरक्षित हैं। जो लोग एक जॉन्डिस आई से सिर्फ एक अपनी परिभाषा आगे करना चाहते हैं वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल वेंडेटा का साजिश है, और इसमें न विश्वास करते हुए अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए, एक प्रजातंत्र लोकतंत्र में आप कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए आपका स्वागत है, एजिटेशन आपका स्वागत है, लेकिन जो ये एक कैंपेन है, एक स्पिरिटेड कैंपेन जो भारत की जनता चाहती है, एक तरफ सीएबी और दूसरे तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति को आप देखते हुए आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि कानूनी तौर पर मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए।